स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। और आज हम लोग इंट्रीगल्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और जो भी नया कॉन्सेप्ट होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप नोटबुक पेन निकाल लें, क्वेश्चंस नोट करें और इसके बाद जैसे ही एमसीक्यू कंप्लीट होने वाले हैं, मुझे लगता है एक वीक में कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलने शुरू हो जाएंगे, वो भी नोटबुक में करना शुरू करो। अगर आप एमसीक्यू प्रीवियस ईयर्स और एनसीईआरटी कर लेंगे आपके अच्छे नंबर आएंगे। बाकी आप लोग स्टडी कर ही रहे होंगे तो प्लीज फिर से एक बार नोटबुक पेन निकाल लें। चलिए ठीक है, निकाल लिया सबने, तो ठीक है फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन करना है 1/sin²x cos²x का, और ये ऑप्शंस दे रखे हैं, यानी हमें इसका इंटीग्रेशन करना है 1/sin²x cos²x। हमारे पास मल्टीप्लाई का कोई फॉर्मूला नहीं है कि डिवाइड में कुछ मल्टीप्लाई में लिखा हो, तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 1 को लिख सकते हैं sin²x + cos²x, क्योंकि sin²x + cos²x क्या होता है 1, और डिवाइड में है sin²x cos²x। चलिए सेपरेट डिवाइड करते हैं, इसमें भी डिवाइड कर लो, इधर भी डिवाइड कर लो। तो sin²x / sin²x cos²x प्लस यहाँ आ जाएगा cos²x / sin²x cos²x डी। तो यहाँ पे जो भी कैंसिल हो सकता है कैंसिल कर देते हैं, साइन स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, इसमें कॉस स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो ये बचा 1/cos²x, ये आया 1/sin²x। 1/cos²x जो होता है वो sec²x होता है, और 1/cosec² जो होता है, 1/sin² जो होता है वो cosec²x होता है, ठीक है। प्लस का साइन है, अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो sec²x का इंटीग्रेशन tan x होता है, cosec²x का इंटीग्रेशन -cotx होता है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का cotx, और इंटीग्रेशन में हम c ये कांस्टेंट नंबर लेते हैं, तो आइए चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो ये भी नहीं है, ये फोर्थ पार्ट tan x - cotx + c, तो फर्स्ट का जो है डी पार्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन सेकंड में लिखा है इफ इंटीग्रेशन ऑफ sec²(-4x)dx = a tan 7 - 4x + c, देन द वैल्यू ऑफ a, यानी tan के साथ जो नंबर है वो हमें फाइंड आउट करना है, ये ऑप्शंस दे रखे हैं। तो चलिए पहले इंटीग्रेशन करते हैं, तो sec²(-4x) का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो अगर मैं 7 - 4x को t ले लूं, तो डिफ्रेंशिएट करना होता है इसके बाद, तो 7 का डिफरेंशिएशन 0, -4x का डिफरेंशिएशन 1, यानी -4dx = dt, तो dx = ये डिवाइड में आएगा, तो 1/-4dt, या फिर कह सकता हूँ dx = -1/4dt। अब यहाँ पुट करते हैं sec², ये मैंने t ले रखा है, तो sec²t (dx) रिप्लेस होगा -1/4dt से, तो -1/4 कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, तो बचेगा sec²t (dt). अब sec² का इंटीग्रेशन tan t होता है, तो tan t हो जाएगा प्लस का c, और t क्या था 7 - 4x, तो माइनस का 1/4 tan 7 - 4x + c। तो इसके RHS में लिखा था a tan 7 - 4x, और यहाँ पे -1/4 है, तो कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ रही है, -1/4, तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, -1/4। तो नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन इसमें लिखा है, द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू दिस, ये गिवन है, और इसमें लैम्डा फाइंड आउट करना है, और लैम्डा यहाँ है इंटीग्रेशन के अंदर ही लैम्डा है। लेकिन अगर हम थोड़ा कुछ लोग दिमाग से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे कैसे, अगर मैं इसको t लूँ, ठीक, 4x की पावर x + x की पावर 4 को t लिया, तो जब t ले तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x log a, यानी log 4, प्लस x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन होगा 4x³ (dx = dt). तो चेक करना है न्यूमरेटर में अगर ये टर्म है, तो देख लेते हैं, तो देखो 4x³ है इसमें, 4 की पावर x भी है, तो लैम्डा यानी क्या होगा, log 4, ठीक है। यानी कि अगर अब मैं इसको करूंगा तो डिवाइड में तो t आएगा, और ये रिप्लेस हो जाएगा न्यूमरेटर वाला पार्ट, तो कब रिप्लेस होगा, जब ये log 4 होगा, ठीक है, और आंसर आ जाएगा log t, और log t में आंसर दे ही रखा है, क्योंकि ये 4 की पावर x + x की पावर 4 को आपने t लिया है। लेकिन ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, कुछ को तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे लैम्डा जो है वो log 4 है, लेकिन कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो मैं दूसरा मेथड बताता हूँ। दूसरा मतलब क्या है कि अगर आपको इंटीग्रेशन वाली वैल्यू कोई भी फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करो, डिफ्रेंशिएट कर दो बोथ साइड।
अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हो बोथ साइड तो इंटीग्रेशन साइन हट जाएगा, यानी कि मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया, यानी ये मेथड अगर आपको समझ में आ गया अच्छी बात है, नहीं आया तो आप क्या करना है डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। तो मैंने कहता है कि अगर इंटीग्रेशन है तो अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो इंटीग्रेशन साइन हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x³ प्लस लैम्डा एक्स की पावर, सॉरी लैम्डा 4 की पावर x अपॉन 4 की पावर x प्लस एक्स की पावर 4। अब यहाँ डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये x है तो log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x इनटू चेन रूल के अकॉर्डिंग इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, तो a की पावर x का डिफ्रेंशिएशन होता है a की पावर x log a, तो log 4 आएगा प्लस 4x की x की पावर 4 का क्या हो जाएगा 4x³ और c का तो 0 हो जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं सही से 4x³ प्लस लैम्डा 4 की पावर x अपॉन 4 की पावर x प्लस x की पावर 4 इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई करेंगे सेम आएगा, डिवाइड भी सेम रहेगा और 0 हट जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ भी 4x³ है, यहाँ भी 4x³ है, यहाँ 4x की पावर x के साथ लैम्डा है और यहाँ 4 की पावर x के साथ log 4 है, बाकी सब सेम है और इक्वल का साइन है। इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू क्या है log 4 और कुछ बेस नहीं है, तो हम बेस e कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे हैं बी पार्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। अब कुछ लोगों को इसी समझ में आ गया था, तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सीधा कॉम्पिटिटिव में आता है बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में यानी एमसीक्यू में, उस टाइम आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो या ये स्टेप लिख के दिखा सकते हो, ये थोड़ा सा लेंदी है। ठीक है, बाकी आपके ऊपर आपको कौन समझ में आए, आई होप आपको समझ में आ गया हो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट जो फोर्थ क्वेश्चन इसमें लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x मल्टीप्लाई में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, इधर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भी होल स्क्वायर है इज इक्वल टू। तो जब भी e की पावर x वाला क्वेश्चन आता है तो हमें ट्राई करना है कि ये फॉर्मूला बन जाए e की पावर x ब्रैकेट में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, क्योंकि अगर ये फॉर्मेट बन जाएगा तो इसका हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। क्या करना है e की पावर x के साथ ब्रैकेट में अगर एक कोई फंक्शन आए उसका डिफ्रेंशिएशन प्लस में लिखा हो तो ये फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, अभी तो ऐसा कुछ फॉर्मेट नहीं दिख रहा है, तो e की पावर x ब्रैकेट इसको लिख लेते हैं 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी तो यहाँ पे दो टर्म है, यहाँ तो दो टर्म अभी नहीं दिख रहे हैं, तो चलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab यानी 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, सेपरेट डिवाइड कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x ब्रैकेट यहां पे आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन, इसका डिवाइड करेंगे मतलब एक टर्म मैं ये ले रहा हूँ और एक टर्म ये ले रहा हूँ, तो इसमें भी डिवाइड करूंगा और इसमें भी, इसी को बोलते हैं सेपरेट डिवाइड। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देख रहे हो न्यूमरेटर में भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो एक कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहां पे दो टर्म आपको दिख रहे हैं, एक एफ एक्स है, अब ये एफ डैश एक्स है या नहीं है तो ये तो आपको चेक करना पड़ेगा, यानी इसको अगर मैं एफ एक्स लूं और एफ डैश एक्स निकालो, अगर ये आ जाता है तो इसका मतलब ये फॉर्मूला वैलिड है और हमारा आंसर हो जाएगा e की पावर x इंटू एफ एक्स, तो एफ एक्स तो मेरा ये है। ठीक है, चलिए एफ डैश एक्स निकाल के भी मैं आपको दिखा देता हूं एफ डैश एक्स। ठीक है, तो एफ डैश एक्स के लिए इसमें u अपॉन v लगा सकते हो, तो u अपॉन v का फॉर्मूला याद है आपको, u अपॉन v का फॉर्मूला मैं इधर लिख देता हूं, डेरिवेटिव अगर मैं करना है u अपॉन v का तो क्या होता है v का स्क्वायर v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहां पे अप्लाई कर देते हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर पहले आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग v इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 तो वो तो जीरो होता है माइनस u, यहां ये आ गया डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस 1 का डिफ्रेंशिएशन जीरो और एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये तो पूरा जीरो ही हो जाएगा, तो फाइनली क्या आ गया माइनस का 2x अपॉन
वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारा एफ डेस एक्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हो e की पावर x के साथ मैंने इस वाले टर्म को एफ एक्स लिया था और डिफरेंशिएशन किया तो यही आया जो इसके साथ में लिखा था। इसका मतलब ये एफ एक्स है और ये एफ डेस एक्स है, यानी ये फॉर्मूला वैलिड है इस क्वेश्चन के लिए। तो आंसर क्या होता है e की पावर x एफ एक्स, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो हो जाएगा, इधर लिख देता हूँ, e की पावर x इंटू एफ एक्स है हमारा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का c। तो आप देख रहे हो पहले ही ऑप्शन है e की पावर x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो फिफ्थ है उसमें क्या है, इंटीग्रेशन करना है डी एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स का। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन कवर होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जब वन प्लस साइन आ जाए या वन प्लस कॉस आ जाए या साइन प्लस कॉस आ जाए या फिर साइन प्लस कोई कॉन्स्टेंट नंबर आ जाए डिवाइड में, तो आपको एक ही फॉर्मेट यूज करना है कि साइन टू थीटा का जो फॉर्मूला टेन वाला है वो अप्लाई करना है, यानी कि चाहे कॉस आए चाहे साइन आए आपको टेन वाला फॉर्मूला यूज करना है। कॉस में भी टेन का फॉर्मूला होता है, साइन में भी होता है, सिर्फ साइन आ गया तो ये लगा देना है। अगर कॉस आ जाए तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि आपको अगर डिवाइड में न्यूमरेटर अगर वन है डिवाइड में साइन है तो टेन का फॉर्मूला, कॉस है तो टेन का फॉर्मूला, दोनों है तब भी टेन का। सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत क्वेश्चन कवर भी कर रहा है। तो चलिए यहां पर तो साइन एक्स है, यहां साइन टू थीटा है तो एंगल हाफ होगा, तो वो ध्यान रखना है क्योंकि टू थीटा है तब यहां थीटा है। अब यहां पे अगर एक्स है तो क्या आएगा, मैं लिख के दिखाता हूं, साइन एक्स की जगह आएगा टू टेन एंगल हाफ करना होगा, यानी एक्स वाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स वाई टू। क्लियर। मतलब जो भी ये फॉर्मूले होते हैं ये फॉर्मूला अप्लाई तो हो जाता है लेकिन जो एंगल है वो आरएचएस में हाफ होता है, तो x का हाफ क्या होगा, एक्स बाई टू। तो अब यहां पे एलसीएम लेंगे तो जीरो से पाई बाई टू, तो एलसीएम लेंगे वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, तो ये आ जाएगा प्लस का टू टेन एक्स बाई टू। अब ये तो न्यूमरेटर में आ जाएगा तो जीरो से पाई बाई टू, इधर आ जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स वाई टू डी एक्स अपॉन, ये आ गया वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स वाई टू प्लस टू टेन एक्स वाई टू। अब यहाँ पे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्म लग जाएगा वो सेक स्क्वायर थीटा होता है, जीरो से पाई बाई टू, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स वाई टू डी एक्स अपॉन। और देखो ये यहाँ पे फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो इसको हम लिख सकते हैं वन प्लस टेन एक्स वाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए इसमें वन प्लस टेन एक्स वाई टू को टी ले लेते हैं। अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो वन का डिफरेंशिएशन जीरो, टेन का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स वाई टू, अब एक्स वाई टू का होगा तो वन वाई टू और आ जाएगा डी एक्स इक्वल टू डी टी, टू को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो सेक स्क्वायर एक्स वाई टू डी एक्स इक्वल टू टू इधर आ जाएगा टू डी टी, तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो न्यूमरेटर में तो आ जाएगा टू डी टी अपॉन, ये टी ले रखा तो ये टी स्क्वायर आ गया। अब आते हैं लिमिट चेंज भी करनी पड़ेगी क्योंकि आपने टी के टर्म्स में लिखा है। ठीक है, तो लिमिट देखो कैसे चेंज होता है, अगर हम एक्स के लिए यहाँ पे जीरो रखते हैं तो टेन जीरो होगा, टेन जीरो के लिए क्या होती है जीरो, तो टी आ जाएगा वन, तो लोअर लिमिट आ गया वन। पाई बाई टू रखो तो पाई बाई टू अगर एक्स के लिए रखोगे नीचे और टू है तो पाई बाई फोर हो जाएगा और टेन पाई बाई फोर होता है वन, तो वन प्लस वन टू हो जाएगा, तो अपर लिमिट आ जाएगी टू। समझाए, ठीक है, यानी कि हमें जो हम टी लेते हैं उसमें एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो चलिए टू तो बाहर आया, वन से टू टी स्क्वायर को लिख दो टी की पावर माइनस टू, अब एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगा दो तो एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, और यहाँ पे अपर लिमिट लोअर लिमिट, माइनस टू प्लस वन माइनस वन होगा वो माइनस वन मैं बाहर कर देता हूं और टी की पावर माइनस टू प्लस वन यहां आएगा टी की पावर माइनस वन टू इधर वन। ठीक है, तो चलिए टी की पावर माइनस वन का मतलब है वन अपॉन टी, तो माइनस टू तो बाहर है, ये हो गया वन अपॉन टी अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो पहले अपर लिमिट पुट कर देते हैं तो वन बाई टू बीच में माइनस आता है, फिर लोअर लिमिट पुट कर देते हैं
टू एलसीएम आया, तो यहाँ आया वन माइनस टू, माइनस का टू, टू से टू कट गया, वन माइनस टू माइनस वन होता है और एक माइनस बाहर है, तो फाइनली हमारा क्या आएगा प्लस वन। तो प्लस वन कौन सा ऑप्शन है, सी पार्ट। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं, तो शुरुआत से देख लें मैंने क्या क्या लॉजिक बताया था। तो फिलहाल इसका आंसर क्या है, सी पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स इसमें लिखा है, इफ ए इज सच दैट इंटीग्रेशन ऑफ दिस लेस देन ए प्लस फोर, और ऑप्शन दे रखे हैं कि ए की वैल्यू किस रेंज में लाई करेगी। तो चलिए जो दे रखा है उसको सिम्प्लीफाई करते हैं। तो जीरो से ए है एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल टू ए प्लस फोर, एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर पॉइंट टू, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे, लेस देन इक्वल टू ए प्लस फोर, अपर लिमिट पुट करते हैं तो ए स्क्वायर बाई टू माइनस लोअर लिमिट, तो जब एक्स को जीरो पुट करेंगे जीरो ही आएगा, तो लेस देन ए प्लस फोर, तो यह आ जाएगा ए स्क्वायर बाई टू लेस देन इक्वल टू ए प्लस फोर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर टू इधर आ जाएगा टू ए प्लस एट, इन दोनों को एलएचएस में लाते हैं तो ए स्क्वायर माइनस का टू ए माइनस का एट लेस देन जीरो। तो यहाँ पे एक इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, इनइक्वालिटी सॉल्व करना और क्वाड्रेटिक हो तो उन सबको एलएचएस में लिखना होता है और मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर करने हैं। अगर आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करना नहीं आता है तो मैंने वीडियो बना रखा है इनइक्वालिटी पे, तो आप जाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे प्लेलिस्ट में तो आपको मिल जाएगा कि इनइक्वालिटी पे एक वीडियो है, आप उस पर चेक कर लें, ठीक है। चलिए यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, तो 8 इन 8 को दो पार्ट में ब्रेक करो तो 4 इंटू टू 8 होता है, 4 माइनस टू 2 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस का 4a प्लस का 2a माइनस का 8 लेस देन इक्वल टू 0, इन दोनों में a कॉमन आएगा तो a माइनस 4, इन दोनों में 2 कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में a माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0, तो एक ब्रैकेट में a माइनस 4 हो जाएगा, एक ब्रैकेट में a माइन ए प्लस टू हो जाएगा लेस देन जीरो। तो फिर से अगेन वही बात है, अगर आपको वीडियो में देख ले रहे हैं ठीक है, मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब दो फैक्टर आ जाते हैं उसको हम लेते हैं नंबर लाइन पे, ठीक है, और वहाँ से a की वैल्यू लिखते हैं। जैसे अगर a माइनस फोर है तो a माइनस फोर को माइंड में जीरो करा तो a की वैल्यू क्या आएगी, फोर, तो नंबर लाइन पे एक फोर बना लिया। a प्लस टू को जीरो करा माइंड में तो a की वैल्यू क्या आई, माइनस टू, तो यहाँ माइनस टू लिख लिया। आप देख रहे हो ये नंबर लाइन तीन पार्ट में डिवाइड हो रही है, एक ये है और एक ये, इसको और स्पेसिफाई करना है तो ये कर देते हैं। पहला हमेशा पॉजिटिव रहता है इस साइड, फिर अल्टरनेट चलता है, फिर माइनस हो जाएगा फिर प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारे पास इनइक्वालिटी थी वहाँ पे लेस देन था, ये लेस देन का साइन है, लेस देन का मतलब नेगेटिव वाला पार्ट, तो नेगेटिव वाला पार्ट कहाँ से कहाँ तक है, माइनस टू से फोर, इसका मतलब है इसका आंसर होगा माइनस टू से फोर, ए की जो वैल्यू होगी माइनस टू से फोर। मैं अगेन एक्सप्लेन कर दूं, स्टार्टिंग बहुत सिंपल थी कि एक्स का इंटीग्रेशन कर दिया, अपर लिमिट लोअर लिमिट से एक सिंप्लीफाइड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ठीक है, उसको मिडिल टर्म स्प्लिट करा, दो फैक्टर आए, फैक्टर को कैसे सॉल्व करते हैं इनइक्वालिटी में, तो ए की वैल्यू को नंबर लाइन पे लिख देते हैं, जितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है डिवाइड कर दो, पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, अगर यहाँ पर नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला पार्ट आंसर में दे दो, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर आपको दिख रहा है डी पार्ट हो जाएगा, बाकी और वीडियो देखने के लिए इनइक्वालिटी का आप उस पर चेक कर लें कैसे मैंने सॉल्व किया, ठीक है। तो नेक्स्ट जो सेवन्थ क्वेश्चन इसमें लिखा है, इंटीग्रेशन माइनस वन से फोर जो है वो एफ एक्स जो है वो फोर है, इसकी जो वैल्यू दे रखी है फोर है, और एक और इंटीग्रेशन दे रखा है थ्री माइनस एफ एक्स, और ये लिमिट जो है वो टू से फोर, इसकी वैल्यू सेवन है, तो ये तो चलो डायरेक्ट दे ही रखा है, और फाइंड आउट करना है टू से माइनस वन। इस क्वेश्चन में भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक। अगर हम बात करें माइनस वन से फोर की, एक नंबर लाइन पर देखें माइनस वन से फोर, माइनस वन यहाँ हो गया और फोर यहाँ है, आप बार बार देख रहे हो एक टू आ रहा है बीच में टू, तो इस वाले पार्ट को अगर हम ब्रेक कर दें माइनस वन से टू और टू से फोर तो ठीक है, क्योंकि माइनस वन से टू में फाइंड आउट भी करना है। अब आप कहोगे फाइंड आउट तो टू से माइनस वन करना है, तो कोई बात नहीं, इंटीग्रेशन की एक हमारे पास प्रॉपर्टी है कि ए से बी अगर इंटीग्रेशन है तो अगर आपको b से a फाइंड आउट करना है तो माइनस टाइम्स हो जाता है, तो b a कर देंगे, वो तो हम प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे ये वाली, ठीक है, तो इस वो तो हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो गिवन है ये माइनस वन से फोर एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू फोर, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर ले रहे हैं, माइनस वन से टू जो हमें फाइंड आउट करना है, बस वो मैंने आपको बता दिया उल्टा करना है, ठीक है, तो टू से माइनस वन हो जाएगा डी एक्स प्लस 2 से 4
एफ एक्स डी एक्स, मतलब मैंने इस वाले पार्ट को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, इक्वल टू फोर। इसको ले लिया फर्स्ट कंडीशन। अब टारगेट हमारा ये है कि हमें ये वैल्यू मिल जाए, क्योंकि ये तो फाइंड आउट करना है, ठीक है, क्योंकि टू से माइनस वन हो या माइनस वन से टू, तो माइनस का फर्क है, चलिए तो हमें फाइंड आउट करना है, ये वाला टर्म हमें फाइंड आउट करना है। और ये वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, इसकी हेल्प से फ्री निकलेगा। तो मैं कंक्लूड करूं फिर से, आपको फाइंड आउट करना है माइनस वन से टू वाली जो लिमिट फाइंड आउट करनी है, तो आपको गिवन है माइनस वन से फोर, तो मैंने इसको दो पार्ट में ब्रेक करा, जिसमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यहां से, और फिर ये हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसका यूज कैसे करेंगे, क्योंकि आपको टू से फोर फाइंड आउट करना है, तो यही है टू से फोर, तो इसका यूज देखते कैसे होगा। तो पहले इस इंडिस में अलग अलग कर दो, यानी टू से फोर थ्री का कर दो इंडिशन, माइनस टू टू फोर एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू सेवन। तो ये तो फाइंड आउट करना है, इसमें पुट करने के लिए थ्री का इंडिशन क्या होगा, थ्री एक्स, और x में लग जाएगा अपर लिमिट लोअर लिमिट, और ये ऐसे ही रहेगा टू टू फोर एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू सेवन। यहाँ अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करते हैं, तो थ्री ब्रैकेट फोर माइनस टू माइनस का टू टू फोर एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू सेवन। फोर माइनस टू क्या आ जाएगा सिक्स, सॉरी फोर माइनस टू आएगा टू, थ्री इंटू टू क्या आएगा सिक्स, तो इसको इस साइड ले आएंगे, इसको इस साइड, तो फाइनली हमें इसकी वैल्यू टू से फोर एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू माइनस वन मिल जाएगी, क्योंकि सेवन माइनस सिक्स वन होता है, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस का मल्टीप्लाई करना होगा, तो माइनस वन मिलेगा। तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं वैल्यू, तो माइनस वन से टू एफ एक्स डी एक्स, ये वैल्यू आई है माइनस वन और इक्वल टू फोर है, तो ये माइनस वन भी इस साइड आएगा, तो माइनस वन से टू एफ एक्स डी एक्स क्या आ जाएगा, ये वन वन इधर ऐड होगा, तो फोर प्लस वन क्या हो गया फाइव, ठीक है। लेकिन अगर आपको माइनस वन से टू फाइंड आउट करना हो, तब तो आंसर फाइव था, सी पार्ट हो जाता, लेकिन क्या है? एक प्रॉपर्टी लग रही है कि अगर ए से बी है और आप इंटरचेंज कर रहे हो लिमिट को, तो माइनस लगाना पड़ेगा, और हमको टू से माइनस वन फाइंड आउट करना है, इंटरचेंज करना है, तो टू माइनस वन लिखना है यहाँ, तो आपको एक टू लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको माइनस वन लिखना पड़ेगा, तो यहां पे आ जाएगा टू माइनस वन, ठीक है। तो यहां पे फिर वो माइनस आरजेस में चला जाएगा, तो आपको मिलेगा टू से माइनस वन एफ एक्स डी एस इक्वल टू माइनस फाइव। तो इसमें आपने बहुत सारी प्रॉपर्टी सीखी, एक तो लिमिट को ब्रेक करना, दूसरा ये भी अगर ए से बी है तो बी से ए करना है, तो माइनस टाइम्स होता है, तो फिलहाल आंसर आया माइनस फाइव, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। क्लियर है? इस लिमिट को ब्रेक करा गया दो पार्ट में, वहां से टू से फोर की वैल्यू आई थी और वो यहां पुट कर दी गई थी, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो एट थे, इसमें लिखा है वैल्यू फाइंड आउट करना है माइनस वन से वन लॉग समथिंग कुछ दे रखा है। जब आपको लिमिट में माइनस वन से वन हो या माइनस ए से ए हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एक मार्क के क्वेश्चन के लिए। इसके दो आंसर होते हैं, एक तो टू टाइम्स जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स हो जाता है, तब होता है जब एफ एक्स एक इवन फंक्शन हो, ठीक है, और एक आंसर डायरेक्ट जीरो हो जाता है जब एफ एक्स ऑड फंक्शन हो, तो ऑड और ये इवन के लिए है, ठीक है। अब ये इवन ऑड क्या होता है कि जब एफ एक्स आपको गिवन हो और अगर आप एफ ऑफ माइनस एक्स फाइंड आउट करते हो, अगर वो माइनस एफ एक्स आए तो ऑड हो जाता है, ऐसे केस में आंसर जीरो हो जाएगा डायरेक्ट, और अगर एफ ऑफ माइनस एक्स निकालते हो वापस एफ एक्स के इक्वल हो जाता है, तो वो इवन फंक्शंस होते हैं। और क्लियरिटी आएगी जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे, इवन ऑड क्या होते हैं इसमें समझ में आ जाएगा। तो चलिए मेरा ये एफ एक्स है, तो हम चेक करेंगे, यानी जब भी आपको माइनस ए से ए आए डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है, पहले आपको ये स्टेप फॉलो कर लेना है, देख लेना है इवन है ऑड, अगर ऑड है तो इस लिमिट को हम डायरेक्ट जीरो लिख सकते हैं। तो चलिए एफ एक्स मेरा है लॉग टू प्लस थ्री एक्स अपॉन टू माइनस थ्री एक्स, तो चलिए मैं एफ ऑफ माइनस एक्स फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो लॉग टू प्लस थ्री, अब यहाँ माइनस एक्स, यानी एक्स को रिप्लेस करना है माइनस एक्स से, तो ये आ गया लॉग टू माइनस थ्री एक्स अपॉन, और ये क्या हो जाएगा प्लस, तो सिंप्लीफाई करने पे ये आया। और चेक करें तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सेम है या डिफरेंट है, डिफरेंस कहाँ थोड़ा देख लेते हैं। जो चीज़ डिनोमिनेटर में है यहाँ है न्यूमिनेटर में,
और जो यहाँ न्यूमरेटर वो है यहाँ पे डिनोमिनेटर में, यानी कि फ्रैक्शन में डिफरेंस आ रहा है रेसिप्रोकल का। तो लॉग की एक प्रॉपर्टी है कि अगर लॉग ए अपॉन बी लिखा हुआ है तो इसको माइनस का लॉग, अगर लॉग ए अपॉन बी है तो माइनस कर दो तो ये बी अपॉन ही हम लिख सकते हैं, ये लॉग की प्रॉपर्टी है। तो यानी कि अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो लॉग के नंबर रेसिप्रोकल हो जाएंगे, यानी कि 2 प्लस 3x न्यूमरेटर में आ जाएगा, 2 माइनस 3x डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, तो अब देख रहे हो ये चीज सेम आ गई है, यानी वापस एफ एक्स के इक्वल आ गया। तो यानी हमारा एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो माइनस एफ एक्स आया है, और मैंने स्टार्टिंग में कंडीशन बताई थी कि अगर एफ ऑफ माइनस एक्स जो है माइनस एफ एक्स है तो वो ऑड फंक्शन है, और ऑड के लिए इस लिमिट की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो इसका आंसर होगा जीरो, तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, यानी इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं जीरो। समझ में आया? तो यानी कभी भी माइनस ए से ए लिमिट आए तो आपको पहले इवन और इवन या फिर ऑड चेक कर लेना, वो कैसे चेक करेंगे, एक्स को रिप्लेस करके। तो कई बार लॉग की प्रॉपर्टी लग सकती है, तो बेसिक प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो भी उसी पे बेस्ड है, माइनस ए से ए देखिए फाइंड करना है, माइनस पाई से पाई, और एक एफ एक्स दे रखा है। तो मैंने रूल सारे बता रखे हैं कि जब भी ये क्वेश्चन आए तो आपको एफ ऑफ माइनस एक्स फाइंड आउट करना है, अगर वो एफ एक्स आए तो इवन, अदरवाइज ऑड। तो चलिए चेक कर लेते हैं डायरेक्ट। तो एफ एक्स हमारा इस बार साइन की पावर माइनस 93x प्लस एक्स की पावर 295। तो हम इसको थोड़ा और एक स्टेप पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं पावर को। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स की पावर माइनस 93, और ये माइनस अगर किसी को डाउट आ रहा है तो इसका मतलब है 1 अपॉन साइन एक्स की पावर 93। अब ये थोड़ा इजी लग रहा होगा, माइनस हट चुका है, तो ये हमारा एफ एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एफ ऑफ माइनस एक्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो माइनस एक्स का मतलब क्या होगा, एक्स रिप्लेस हो जाएगा माइनस एक्स से। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, और यहां पे माइनस की पावर ऑड नंबर है इसलिए माइनस आ जाएगा, यहां भी माइनस की पावर ऑड नंबर है माइनस बाहर आ जाएगा। माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव, और ये माइनस कॉमन ली तो ये प्लस हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ये वापस एफ एक्स के इक्वल आ गया है, यानी ये माइनस एफ एक्स के इक्वल आ गया, और अगर एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल है तो ऑड है, और मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी बताई थी, तो इसका आंसर क्या हो जाता था, जीरो। तो इसका आंसर होगा ए पार्ट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट जो 10th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इसमें जीरो से पाई मॉड कॉस एक्स दे रखा है। तो मॉड वाले क्वेश्चन को हमें ब्रेक करना होता है, ये देखना होता है कि वो जो फंक्शन है वो कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है। तो जीरो से पाई का मतलब हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट भी आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट भी आ रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है और सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है। तो अगर मैं इसको ब्रेक कर दूँ तो जीरो से पाई बाई टू, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट है पॉजिटिव से ब्रेक कर दो, और तो सेकेंड क्वाड्रेंट को नेगेटिव से ब्रेक कर दो, यानी पाई बाई टू से पाई कॉस एक्स डी एक्स। अब कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो साइन एक्स होता है, अपर लिमिट लोअर लिमिट प्लस, यहाँ भी साइन एक्स होगा लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस आएगा, पाई पाई बाई टू, अपर लिमिट पुट कर देते हैं तो साइन पाई बाई टू माइनस साइन जीरो प्लस, यहाँ अपर लिमिट पुट करते हैं तो माइनस है तो माइनस रहेगा, माइनस का साइन पाई, और लोअर लिमिट में बीच में माइनस आता है लेकिन इसमें माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा साइन पाई बाई टू। अब साइन 90 होता है 1, ये जीरो हो जाएगा, ये भी साइन पाई जीरो हो जाएगा, और साइन 90 यहाँ पे होता है 1, तो फाइनली 1 है, ये भी 1 है पॉजिटिव है, 1 प्लस 1 क्या आएगा 2, तो 2 इसका सी पार्ट है, ये ऑप्शन हो गया। तो आज मैंने 10 क्वेश्चन किए और सब डिफरेंट टाइप के थे, और आप आई होप आपको समझ में आए हों, और अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। और मैंने एक बात और बोली, आप नोट्स जरूर बनाएं क्योंकि इसके बाद जल्दी ही प्रीवियस ईयर स्टार्ट हो जाएगा, अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करोगे बोर्ड एग्जाम के लिए तो आपके नंबर जरूर अच्छे आएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही।